तुम्हें रोना प्रूफ बनना है। जो बच्चे रोना प्रूफ बनते हैं वही विश्व की बादशाही लेते हैं। ठीक है, पक्का करेंगे। अब बाबा, तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ कराते हैं। जब पिछाड़ी के दिन होते तो बहुत बच्चे पुरुषार्थ करते हैं ना, समझते हम फलानी सब्जेक्ट में कमजोर है, नापास हो जाएंगे। यहाँ बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी स्वयं को चेक करना है, हम संपूर्ण कहाँ तक बने हैं। अंत में तुम्हें सब मालूम पड़ेगा। बहुत कहते हैं बाबा हमारा तो बच्चों में मोह है। बाबा कहते बच्चे वह तो निकालना होगा ना, तुम्हें मोह रखना है एक बाबा में, बाकी ट्रस्टी होकर के संभालना है। ये सब कुछ बाबा ने दिया है। क्या पक्का करेंगे? सब कुछ बाबा ने दिया है, हमें ट्रस्टी होके चलना है। ममत्व को निकाल दो, समझो सब कुछ उसका है, उसकी मत पर ही चलो, उनके ही कार्य में लग जाओ। देखो क्या क्या शिक्षाएं बाबा देते हैं, बच्चे उनकी ही मत पर चलो और उनके ही कार्य में लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो, उसकी मत पर चलते रहो। इन शिक्षाओं को याद करेंगे। देखो बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का नशा रहता है ना, कन्याओं को नहीं मिलता है ना लौकिक में, लेकिन यहाँ तो दोनों को बाबा से वर्षा मिलता है। तो कन्याओं को तो बड़ा नशा होना चाहिए। आज बाबा ने याद किया कन्याएं तो कर्म बंधन से फ्री है, और कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। सुना, दुनिया में तो कन्याओं के लिए कहते हैं भाई बच्ची ने बच्चा चाहिए, और बाबा के घर में तो कन्याओं का बहुत रिगार्ड बाबा रखते हैं। खुश होते बाबा कन्याएं देख के कि कन्या की कन्याएं हैं। फिर से बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, कोई अफसोस की बात नहीं, ये खुने नाहक खेल है। क्यों खुने नाहक कहते हैं? क्योंकि नाहक सबका खून होता है, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उसको फांसी की सजा मिल जाए। हा? अब तो देखो नेचुरल कैलिमिटीज भी आनी है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे सेवा की युक्तियां निकालो, अपनी दुकान है तो उसमें मुख्य मुख्य चित्र रख दो, जो कोई भी आए उस पर आप समझा सको, वह भी सौदा कराओ और यह भी सौदा कराओ, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। युक्ति है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। ऐसे ऐसे दुकानों की सर्विस करो तो बेहद की सर्विस हो जाएगी। फिर धारणा पक्की करा रहे हैं बाबा, बच्चे किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाबा को याद करना है। आज वरदान मिला है मास्टर त्रिकालदर्शी भव, इसके लिए जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसको कल्याण समझो। त्रिकालदर्शी माना अंदर में याद रहे, जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण समाया है। तो क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता है? नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, अंडरलाइन करेंगे, नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है।
बाबा का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता है। फिर से रिवाइज करें, बाबा का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानियों को समाप्त कर देती है, तो अब त्रिकालदर्शी बन करके प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा? न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। और योग के द्वारा सारी कर्म इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करेंगे। तो आज पूरा दिन ये अभ्यास पक्का करेंगे। सीट पर सेट हो जाए, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूं, साक्षी बनकर देख रही हूं, जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। आज बाबा ने पक्का कराया, बच्चे नुकसान में भी कल्याण है, इसमें कुछ भी होता हो क्यों क्या के सवाल नहीं करने हैं। एक बाबा से शुद्ध मुंह रखना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, रोना प्रूफ बनना है। हम गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपियां है। बाबा ने कहा, बच्चे ये बेहद के ड्रामा में तुम सब एक्टर्स हो, इस ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हो। तुम्हें तो बाबा मिला है, तो आज सारे दिन भर में बाबा की आज्ञा अनुसार एक तो को याद का इशारा देंगे। प्रतिज्ञा करनी है, हम रोएंगे नहीं। पतियों का पति बाबा मिला है, न परेशान होंगे न किसी को परेशान करेंगे। बस हमें जो पाना था सो पा लिया, बाबा मिला जहां पा लिया। ओम शांति।